हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी यूनिट स्टार्ट हुई थी जो है आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने हमारा नया टॉपिक जो है आपका ओरिएंटेशन अदर रिंग सिस्टम पे डिस्कस करना है ओके okay? तो देखिए ना आप पहले ये टॉपिक का मतलब समझिए देन हम लोग आगे को डिस्कस करते हैं ओके okay? तो मतलब क्या है ओरिएंटेशन अदर रिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ अदर रिंग सिस्टम पहले आप देखो अदर रिंग सिस्टम किसके लिए कह रहा है

यहां पर को ना आपने सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड लेने हैं हाँ, अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आप कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं बट एंटी एरोमेटिक 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 या फिर नॉन उठा लिए ओके ओके ऐसा नहीं होगा आपने है सिर्फ ही उठाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करें तो देखिए मैं आपको पहले सिंपल सा बेसिक बता देती जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया हुआ था ओके तो आपको पता है मैं आपको लास्ट लेक्चर पे क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने कोई बेंजीन रिंग अगर आपको मैंने दी हुई है ओके और आप चाह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक ही कराएंगे क्योंकि यूनिट ही आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो एरोमेटिक क्टेंट होना ही चाहिए इस पर आपने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना ही है ओके तो आपको मैंने बोला था कि अगर आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे तो देखिए इंटरमीडिएट क्या है ये सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओके अभी जैसे आप मुझे इतना बताइए कि अगर जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड होगा वो कौन सी पोर्शन पे ऐड होगा किसी भी पोर्सन में ऐड हो सकता है इन छह कार्बन में से किसी भी पोर्सन पर आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं ओके लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ एक काम ये करू की यहाँ पे मैं कोई एक बाहर से ग्रुप लगा दू सपोज मैं इस ग्रुप को जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट ये ग्रुप कोई भी हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये ग्रुप आपके अलग अलग टाइप के होते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस कराया था ग्रुप के भी आपके टाइप्स होते हैं जैसे मे बी आपका ग्रुप क्या हो ऐसा होगी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो बट एक डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है ओके okay? और मे भी हो सकता है तो अब आप सिंपली ये बोल सकते हैं इस ग्रुप के बेसिस पे अब आप डिप्र देखो अगर आपका कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है उस केस में तो आपका इलेक्ट्रोफाइल छह के छह में से किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है ओके okay? क्योंकि सारे के सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन बीच है क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन जो आपके सिस्टम में ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे सिस्टम में मूव कर रहा है यानी कि सारे के सारे कार्बन को छह के छह कार्बन को इलेक्ट्रॉन ब्रिज बना रहा है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं ये सारे के सारे कार्बन क्या है मैं आपका अटैक हो सकता पे है अटैक कराना यानी कि अगर ये ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो उस केस में जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या जो ऑर्थोपोजिशन पे होगा या आपकी पैरा पोजिशन पे होगा ओके अगर आपका ग्रुप ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग नेचर का होगा तब क्या होगा आपका प्रोडक्ट ना ऑर्थो वाला बनेगा ना पैरा वाला कौन सा बनेगा मैटा वाला बनेगा और अगर आपका मैटा है, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा आपका नॉर्मल तो आप तो आप रिंग जैसे आपकी बेजीन रिंग में है अगर उसमें आप अपनी रिएक्टिविटी को चेक करेंगे तो रिएक्टिविटी कौन सा प्रोडक्ट बनना है कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनना है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है इस जी ग्रुप पे जो इसके साथ अटैच है ओके लेकिन अगर आप किसी

बोला जाता है कि जब भी आप सब कराते हैं तो आपको पता है यहाँ पर एरिनियम आयन एज इंटरमीडिएट मिलता है ओके यानी कि कैटाइन टाइप का कार्बो कैटाइन टाइप का इंटरमीडिएट आपको मिलता है ओके और देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका इंटरमीडिएट इनके

क्या कर रहे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे ओके okay? तो देखो जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे तो आपको पता यहाँ पर को आपका क्या एरिनियम इंटरमीडिएट मिलता है तो पहले केस पे देखो पहले केस में ये बोल रहा है आप अपने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराओ बट कौन सी पोजिशन पे कराओ अल्फा पोजिशन ये इसकी अल्फा पोजिशन होती है ये होती है इसकी बीटा पोजिशन ओके तो ये है आपकी अल्फा पोजिशन तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है यानी कि यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है तो पहले केस में हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो अपना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है वो कौन सी पोजिशन पे कराना है आपकी अल्फा पोजिशन पे कराना है ओके okay? तो देखिए अगर अल्फा पोजिशन पर अटैक होगा तो क्या होगा पहले आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया है ना हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स पे ये सारी चीजें डिस्कस कराई है तो क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर को बॉन्ड क्लीवेज होगा और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अगर आपने कार्बो कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन एज अ इंटरमीडिएट बनाने हैं उस केस में जो क्लीवेज होगी वो आपकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही होगी और अगर फ्री रेडिकल बनाने उस केस में जो क्लीवेज होगी वो होगी क्लीवेज ओके तो यहाँ आपने कौन सी क्लीवेज करानी यहाँ करानी क्लीवेज और देखो हाइड्रोलाइटिक में क्या होता है है आपको पता है? अगर बॉन्ड कोई ब्रेक हो रहा है तो आपका यहाँ पे जो एटम है, यहां पे जो एटम है है पे जो इन दोनों के बीच का अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी और शिफ्ट होगा और अगर अगर यहां शिफ्ट हो गए सपोज आपका ए ज्यादा इलेक्ट्रोन नेगेटिव है बी आपका इलेक्ट्रोन पॉजिटिव है तो आपका क्या मिलेगा ए नेगेटिव और बी एज अ पॉजिटिव ओके और अगर क्या होगा यहां पर को दोनों एटम से में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है आपकी मर्जी आप किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव टर्म दे सकते हैं ओके अब देखिए यहां पर को क्या है मैंने अटैक कराना है इस पोजिशन में ओके यानी कि अल्फा पोजिशन में इसका मतलब यहां पर जब मैं, मैं क्लिविस कराऊंगी तो मुझे अपने नेगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट करना होगा क्यों क्योंकि देखो जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा आपको पता है एक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर देखो एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाले कार्बन पे आपका नेगेटिव आया और यहाँ पे आया पॉजिटिव जब आपने इस बॉन्ड को क्लीव किया ओके तो बॉन्ड क्लीव करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया तो आपने अटैक कहाँ कराना है आपने अटैक कराना है अल्फा पोर्स पे तो यहाँ पर आपका अटैक हो सकता है बीटा पे तो चांस ही नहीं है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी आपका पॉजिटिव स्पीसीज है पॉजिटिव स्पीसीज को अटैक कराने के लिए कौन सी स्पीसीज चाहिए नेगेटिव और यहां भी पॉजिटिव 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 है तो पॉजिटीव, पॉजिटीव, तो करेंगी नहीं। तो ये अटैक नहीं आपका जो ग्रुप है वो अटैक करेगा इस पोजिशन पे ओके तो देखो जैसे यहां पर अटैक करेगा तो ये आपका इंटरमीडिएट बना यहाँ पर को देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा पहले से और अब जुड़ गया यहाँ पर को वाई ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन गया आपका इंटरमीडिएट जिसे आप बोलते हैं एरिनियम एन ओके तो अब आप एक चीज बताइए क्या यहाँ पर को रेजोनेंस हो रहा है आपको क्या है अब अपना क्या करना होता है आपने मैंने क्या बोला कैसे इस पता चलेगा कि यहां देखो दोनों केस में आप यही कर रहे हैं पहले आपको मैं ये वाला केस भी दिखा दू आपने क्या कर रखा है देखो इस केस में आपने अटैक कराया बीटा पोजिशन पे ये आपकी अल्फा थी ये थी आपका बीटा ओके तो यहां पर को जब आपने यहां पर कराया तो कराने के 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 बाद एक एक ऊपर ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो मैं बोल रही हूँ नेगेटिव इस, इस पर लगाइए पॉजिटिव इस पर यानी कि जो आपने क्लीव किया बॉन्ड उसको यहाँ को शिफ्ट किया इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके और शिफ्ट हो गए इस कार्बन एटम पे बीटा कार्बन एटम पे और आपका जो अल्फा कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जिस के वजह से क्या हुआ आफ्टर क्लीविज देखिए मैं यहाँ पर को हटा के दिखाती हूँ आफ्टर क्लीविज आपको क्या मिला आपका यहाँ पर को आया आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज तो वाई ऑब्वियस सी बात है इसी पोजिशन पर अटैक करेगा बीटा पोजिशन पे तो आपको क्या मिला यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया y और यहाँ पर आया s तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट ये भी है आपका एरिनियम एन ये भी है आपका एरिनियम एन ओके बट इन दोनों में से कौन सा अटैक आपका ज्यादा फेवरेबल होगा कैसे पता चलेगा बोला मैंने बोला आपको देखना है अपना इंटरमीडिएट अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो वाला आपका अटैक ज्यादा फेवरेबल होगा तो आप क्या करेंगे अपने इंटरमीडिएट को स्टेबल करना चाहेंगे और आपको पता है कार्बोकैटाइन कैसे स्टेबल होगा रेजोनेंस से इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आप बना सकते हैं आप बस इस रिंग में जाएंगे इस रिंग की आप बने बात नहीं करनी आप जस्ट

क्यों क्योंकि मैंने क्या बोला आपको सिर्फ इस सिस्टम की बात करनी है ओके तो आप क्या करेंगे इसे अगेन यहां लाएंगे तो अगेन आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यानी कि आपके सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है ओके? केस ए में यानी कि जब आप अल्फा अटैक करा रहे हैं लेकिन केस बी में देखो केस बी में क्या आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे बिल्कुल नहीं क्योंकि देखो ये कहा अटैक करेगा देखो ये ये है आपका ना ये है आपका अल्फा ये अल्फा है मतलब सॉरी ये है आपका डबल बॉन्ड तो इसके एडजस्टेंट में कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बट यहाँ कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर कोई स्टेबल करने के लिए यहाँ पर को तो ये वाली रिंग आ जा रही है यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट में क्या है दो एक हाइड्रोजन एक ये y group है, एक है आपका हाइड्रोजन तो यहां पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं इट मीन यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं है जैसे यहां हुआ यह, वैसा यहाँ नहीं हो सकता इसका मतलब यहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर पे समझा चुकी हूँ तो यहाँ पर को क्या होगा आप इस स्पीसीज को लेस स्टेबल और इस इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल कह सकते हैं इसका मतलब क्या होगा इन दोनों अटैक में से आपका अल्फा अटैक ज्यादा फेवरेबल कंसिडर किया जाएगा कंपेयर टू बी

इसे आप मेजर प्रोडक्ट कहेंगे और अगर यहां पर को आया बीटा पोजिशन पे इसे आप क्या बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट ओके इतनी चीज क्लियर इसका मतलब यही हुआ लेकिन देखो एक एक्सेप्शनल केस भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन भी मिलता है वो एक्सेप्शनल केस को मैंने यहाँ पर को एड किया हुआ है okay? ओके तो ये एक्सेप्शनल केस पे क्या बोल रहा है आपने दोनों केस पे देखो ये केस फर्स्ट है ये आपका केस सेकंड, ओके तो ये दोनों केस पे क्या बोल रहा है केस फर्स्ट पे भी आपने केस सेकंड पे भी नेफ्ट लिन लिया है और दोनों रिएक्शन पे आप क्या करा रहे हैं सल्फोनेशन आपको पता है सल्फोनेशन हाइड्रोजन

इसको कुछ ऐसे क्लीव किया ये बॉन यहाँ से क्लीव हुआ यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज तो आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है जो है आपका एसओ थ्री है इसने क्या बनाया इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक किया और यहाँ पर को क्या बन गया एसोथ्री एच और यहाँ पर को कार्बो कैटायन आ गया यानी कि एरोनियम आयन बन गया ओके और आपका ये एरोनियम आयन क्या हो सकता है स्टेबलाइज हो सकता है आपका इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगी और जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी ओके तो आप इसे स्टेबल कर सकते हैं कैसे आपने रिंग को यहाँ डाल सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भी ला सकते हैं ओके तो रिंग का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो ये स्टेबल है और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन आइटम है आप उसे एलिमिनेट कराएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कैसे कराएंगे यहां पे जो आपका देखो यहां पर एक आपका हाइड्रोजन एटम भी होगा आप यहां से जब हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट कराएंगे तो इस रिंग के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अगेन क्या होगा यहां पर कुछ शिफ्ट हो जाएगा यहां पर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा बॉन्ड में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा यहां से पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा और आपका फाइनल ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो है आपका वन नेफलिन सल्फोनिक एसिड आप देखो अब आप, आप बोलेंगे मैं मैकेनि प्रॉपरली समझा रही हूँ मैकेनिज्म आपको सारे लेक्चर्स पे समझाती हुई आ रही हूँ ओके तो अब तो आपको बेसिक हो जाएगा मतलब अब तो आपको क्लियर हो जाएगा अब हम अपने बात करते हैं ये सारी तो क्लियर होगी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा ओके इतनी चीज क्लियर है लेकिन देखो अब यही बोल रहा है कि अगर आपने में ही सल्फोनेशन रिएक्शन कराई लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया अब आप टेम्परेचर ले रहे हैं 160 डिग्री का सेल्सियस ओके तो 160 डिग्री सेल्सियस पर अब आप देखिए आप यहाँ पर जो सल्फोनेशन करा रहे हैं वो अल्फा पोजिशन पे नहीं अब आप बीटा पोजिशन पे करा रहे हैं यानी कि अब यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीव हुआ उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो बीटा पोजिशन में शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज अल्फा पे जिसकी वजह से जो आपका ये ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है जो आपका एसओ वाला किसके साथ अटैच हुआ इस बी पोजिशन पे यानी कि बीटा पोजिशन पे ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा नेक्स्ट स्टेप पे आप ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे हाइड्रोजन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा और कार्बन पर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज को तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड में और यहाँ बॉन्ड जैसे लगेगा ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा तो बोलने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी आपका जो ये दूसरा प्रोडक्ट बना है जो है आपका टू नेफ्लिन सल्फोनिक एसिड ये मेजर कंसीडर किया जाएगा वन के में यानी कि आप देखो यहाँ पर जो आपका हुआ वो बीटा पोजिशन से हुआ तो आप बोलेंगे कि ये आपका बट नहीं, नहीं। यहाँ पर को आपको कुछ एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे जैसे नेपथिलीन के अंदर ही हमने दो एक्सेप्शनल केस देख लिए तो देखो अल्फा वाला तो ठीक है बीटा वाला ठीक नहीं है बट ये आपको लगेगा कि ठीक नहीं है कि ये आपका माइनर होगा बट ये माइनर नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर को टेम्परेचर का इफेक्ट है यहाँ पर आपने पहले 80 डिग्री लिया था बट आपने जैसे वन सिक्सटी डिग्री लिया तो आपका क्या है बीटा पोजिशन भी ज्यादा प्रीफर बीटा पोजिशन का जो प्रोडक्ट है उसे आप मेजर कंसीडर करवा सकते हैं इतनी चीज क्लियर है तो ये आप एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी कि वो चीज लिखी है कि कुछ कंडीशन में अंडर सर्टेन कंडीशन आपका बीटा पोजिशन का जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका भी वो क्या होता है प्रीडोमिनेंट कंसिडर किया जाता है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर में वरी होने के कारण

लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप बेंजीन और इन सारे हाइड्रोकार्बन में कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिखा सकता है तो आपको मिलेगा कि ये हाइड्रोकार्बन एंथ्रासीन ये सारे हाइड्रोकार्बन क्या है ज्यादा अच्छी आपको एरोमेटिक रिएक्शन दिखा सकते हैं कंपेयर तो टू बेंजीन इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि आपको इन कंपाउंड में एंथ्रासीन एंथ्रोसिनथ्रीन नेफ्थलीन वाले कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा मिल रही है आपको पता है नेफ्थलीन के अंदर क्या है बेंजीन रिंग कितने दो ओके और बेंजीन की किस में बेंजीन

क्चर उतना ही स्टेबल आपका कंपाउंड तो आप सिंपली ये चीज भी बोल सकते हैं इतनी चीज क्लियर है तो यही होता है आपका ओरिएंटेशन अदर रिंग सिस्टम तो आज के लेक्चर पे हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय